हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? हम लोग अच्छे हैं। और आज सुबह का सुबह 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 हम लोग चाय पी लिए और रखे हैं यहाँ पर टोस्ट। तो वही हम लोग टोस्ट चाय खा लिए और एक जन को बहुत जोर से भूख लगा। आज हम लोग का रोटी नहीं बना है तो खाना सीधे बना है और सब्जी बना है कद्दू का। और बच्चा इधर एक इसका ऑनलाइन क्लास है अभी। एक जन खाना खा लिया बोल के इसको भी खाने का मन कर रहा है। पूरा नहीं खत्म करते मारेंगे इसको। तो मेरा साग सब्जी इधर बन रहा है। आज हम बनाने वाले हैं कुद्रुम झोर। कुद्रुम बोले तो हम लोग इसको कुद्रुम और लाल ठेपा भी बोलते हैं। तो इसको बनाना है, माड़ रखे हुए हैं और सब्जी मेरा बन रहा है इधर कद्दू का। आजकल गांव देहात में बहुत ज्यादा मिलता है गोल गोल वाला कद्दू। वही वाला कद्दू लेके आए हैं, लंबा वाला नहीं है। तो बन के रेडी हो गया है मेरा। कढ़ाई में चढ़ल है गरम गरम। आज हम लोग रोटी नहीं बनाए हैं, सुबह उठ के खाना ही चढ़ाए हैं। एक जन को स्कूल नहीं जाना है, टिफिन नहीं डालना है बोल के। एक जन मेहमान आने वाली है अभी। घर तो अभी सरिया है नहीं है, सारा कचरा मेरा। ऐसे कपड़ा हम सुखा के लाते हैं तार से और ऐसे फेंक देते हैं। जब फुर्सत होता है हम दुबार लेते हैं। खत्म करना जल्दी से। और मेरा घर अंदर में कचरा देख सकते हैं। अभी झाड़ू नहीं किए हैं, उसके बाद बाहर तो सुबह उठ के ब्रश कर रहे थे उसी समय हम झाड़ू लगा दिए हैं। और हम सुखाए भी हैं। इसको हम लोग बोलते हैं सनई फूल। आप लोग क्या बोलते हैं, कौन सी भाषा में क्या बोलते हैं? और हम लोग का सनई फूल ये सूख रहा है, कल ठीक से धूप नहीं पड़ा। यह छत में चढ़ा दिए हैं मुर्गी वाला घर में। दो मिर्चा भी पक रहा है। एक जन स्कूल चला गया अभी। 8 बजे से शुरू है स्कूल। और सारा कपड़ा आज सुबह सुबह हम लोग घुमा दिए हैं मशीन में, बाकी निकल गया है इधर और घूम ही रहा है इधर। और थोड़ा घुमा देते हैं, वो चीज का कलर भी निकल रहा है। स्कूल से पहुंच गया है। ले पहुंचाने के बाद पहुंचा दिए मनीष को। तो बाबा लोग इधर धूप से कह रहे हैं दो जन। तो हम बाकी कपड़ा था उसको भी लेके आए और डाल दिए। और हम चलते हैं घर की ओर काम करने के लिए। घर का काम भी बाकी है, अभी झाड़ू मेरा बाकी है तो झाड़ू कर लेते हैं। आज पोछा भी करना है, बहुत दिन से पोछा भी नहीं किए हैं। मेहमान लोग आए थे, सबको भी झाड़ू नहीं किए हैं। तो फिर चलिए काम कर लेते हैं। हम लोग का घर में मेहमान सुबह सुबह का नारियल लेके आए हैं। ये है गुड़ और बिस्किट और सीतापान सिरप। और ये मड़ुआ का बना है, मतलब मिला हुआ है। और ये सिरप है बच्चा लोग के लिए, बच्चा लोग के लिए नहीं सबों के लिए है। हाँ सबके लिए, इसके लिए भी नाक गंदा है। दी थी ये है गुड़ और ये है चाय पत्ती। डीएक्सन कंपनी का है, यहाँ पर लिखा हुआ है। और ये है बिस्किट, मड़ुआ ज्वार जो भी है सब कुछ से बना है। इसमें मड़ुआ भी मिला हुआ है बच्चों के लिए, बड़े भी खा सकते हैं। तो आप लोग भी ले सकते हैं अगर जरूरत पड़ता है तो बोलिएगा जरूर। और ये चाय ना हम लोग इसको पेड़ पौधा या कुछ में लगा सकते हैं। साथ में इसको क्या बोलते हैं पेड़ पेड़ आसपास लगा सकते हैं। फिर मुर्गी सब या तो फिर हम लोग को भी पेड़ दरअसल सब देगा। तो इसको हम लोग मिला के या तो फिर इसका पानी हम लोग पी सकते हैं, ऐसा तो बोली है। पर यूज करते हैं देखते हैं। तो ये रहा डीएक्शन का चाय। इसको ना बनाने के लिए तरीका है कि पहले खौलाना है, जो भी हम लोग मिलाएंगे पानी में वो खौला लेना है। उसके बाद पानी खौलाने के बाद गैस ऑफ करना है, या तो फिर नीचे चूल्हा उल्हा जो भी है लकड़ी का चूल्हा उसको उतारने के बाद हम लोग इसको डाल सकते हैं। फिर अपने आप कलर लग जाएगा उसमें। ज़्यादा खौलाना नहीं है इसको, दवा के रूप में पीना है। तो भर भर गिलास हम लोग पीते हैं ये वाला चाय। तो ठीक है, हम लोग का ये आज का सामान ये रहा। माड़ का झोर बना रहे हैं। इसमें हम लहसुन मिर्चे नहीं लहसुन और नमक लगा दिए हैं। इसको खौलाए हैं। लहसुन पक गया है, पक गया है ये वाला, बस इसका सेंट ना चाहिए। फिर हम इधर ना
इसको हम कुछ और आप लोग नहीं देखे होंगे शायद, तो वही वाला जोर बना रहे हैं, लाल वाला लाल ठेपा। तो हम इधर धोने के लिए लाए हैं, छोटा सा कढ़ाई में रखे हुए हैं, और ये वाला खौल गया, माड़ झोर बन रहा है, माड़ खौल गया है। और हम इसमें डाल रहे हैं लाल ठेपा कुद्रुम का, और अभी खोलेगा तो तुरंत ये माड़ सफेद सा दिख रहा है, सब लाल हो जाएगा। अब हम डाल दिए हैं इसको ना, पहले भूंज के भी बनाते हैं, लेकिन हम पहले माड़ को डपकाए हैं, उसके बाद इसको डाले हैं। बस हम लहसुन और मिर्ची केवल डाले हैं पहले से, और ये ठेपा लाल वाला। अब इसको खोलने देते हैं, थोड़ा सा लिए ढक्कन लगा देते हैं, पक जाएगा फिर अपने आप लाल हो जाएगा। शायद ये ढक्कन लगाने से तो खोल के बाहर आ जाएगा माड़। देख सकते हैं माड़ कैसे खोल रहा है, ढक्कन लगाए थे इतना ज़्यादा खोल रहा है। और देखिए कलर इसका चेंज हो गया है, अब ये भी पक गया है, कुद्रुम ठेप्पा, लाल ठेप्पा, कुद्रुम ठेप्पा। और आप लोग का भाषा में क्या क्या बोलते हैं तो हमको ज़रूर बताइएगा, और बनाते हैं कैसे। हम तो अलग तरीके से, सिंपल तरीके से बनाए हैं, तो आप लोग कैसे कैसे बनाते हैं ज़रूर बताइए कमेंट करके, हम भी आप लोग के जैसे बनाएंगे। लेकिन जितना सिंपल होता है उतना ही अच्छा लगता है। ये वाला बन गया माड़झोर, अब हम जा रहे हैं घर पोछा करने के लिए। तो घर भी मेरा बहुत दिन से पोछा नहीं हुआ है, हम लेके आए हैं पानी, तो घर पोछा कर लेते हैं, पूरा कचड़ा है। और बेड मेरा, तो वो बेड मेरा वैसे ही रहता है, थोड़ा देर में साफ करेंगे। और इधर ऑनलाइन क्लास हो रहा था, सब ऐसे ही रखा हुआ है, ऑनलाइन के साथ में बिस्किट भी ऑनलाइन खाने वाले लोग पढ़ते साथ खाते भी जाते हैं, पढ़ाई भी करते हैं। तो चलिए हम पोछा उछा कर लेते हैं। मेरा चूल्हा का ये लिखा हुआ है, उसमें ना पीला पड़ गया है सब्जी का, हल्दी का, तो हम इसमें लाइजोल डाल लेते हैं, थोड़ा सा छूटेगा शायद, कि अंदर से घुस गया है, अच्छा नहीं दिख रहा है चूल्हा में। हम कपड़ा से पोछा लगाते हैं ये वाला से, डंटा वाला से नहीं पोछा लगाते हैं, हम बैठ बैठ के पोछा लगा रहे हैं। डंटा वाला से हमको फ्रेश नहीं लगता है, लेकिन इसी से लगता है, पर बेड के नीचे नहीं पहुंचता है ये वाला से। हाँ हम डंटा से करते हैं ना, डंटा में फंसा लेते हैं कपड़ा, उसके बाद बेड नीचे करते हैं पोछा। के धुआ के हम रेडी हो गए, अब हम खाने जा रहे हैं खाना, तो दिखाते हैं खाना। तभी का मेरा लाल वाला माड़ झोर, और ये रहा कद्दू सब्जी, तो हम खा रहे हैं अब इसको। आप लोग की तरफ कैसे बनता है, मेरा तो ये पूरा लाल हो गया, चावल भी लाल हो गया। चलिए खा लेते हैं फिर।